करौली जिले के हिंडौन में वर्धमान नगर में 60 फीट रोड के पास नशे में धुत बाल वाहनी बस के ड्राइवर ने दो बच्चों को टक्कर मार दी। हादसे में 6 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक बच्चा घायल हो गया। मामले में पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार सुबह शादी समारोह स्थल के पास नशे में बस चलाते हुए चालक ने बस को पीछे मोड़ते समय दो बच्चों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई और एक बच्चा घायल हो गया। इसके बाद परिजन घायल बच्चे को हिंडौन के राजकीय अस्पताल में इलाज कराने के लिए ले गए। यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया। इधर घटना की सूचना पर पुलिस और जिला प्रशासन हरकत में आया और बस चालक को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही जिला प्रशासन ने जिला शिक्षा अधिकारी और परिवहन अधिकारियों को घटनाक्रम की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए हैं। एक स्कूल की बस से एक्चुअली बारात ले जाते समय एक बच्ची की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मैंने अभी जिला शिक्षा अधिकारी और DTO से बात की है, इन दोनों को निर्देशित किया है कि इसकी जांच की जाए। अगर स्कूल की बसें स्कूल के अतिरिक्त अन्य कार्य में आ रही हैं बारात ले जाने में या अन्य सवारियों को ढोने में, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई लाई जाए। दोनों अधिकारियों का है, जांच करके निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे। एक्चुअली अभी एक निर्देश भी जारी करा रहे हैं कि स्कूल की बसें स्कूल के बच्चों को निवास से स्कूल और स्कूल से निवास ले जाने का अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में उपयोग नहीं।